एचपीडीए चौराहे का शुरू हुआ सुंदरीकरण बनेगा गोल चक्कर। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। दिल्ली रोड स्थित एचपीडीए चौराहे की जल्द ही सूरत बदली दिखाई देगी। 23 लाख रुपए की लागत से चौराहे का सुंदरीकरण के साथ गोल चक्कर बनाया जाएगा। इसका कार्य शुरू हो गया है। इसके यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और साथ ही गोल चक्कर बनने से हादसों में भी कमी आएगी। दिल्ली रोड स्थित एचपीडीए चौराहा शहर के प्रमुख चौराहों में शुमार है, जहां से हजारों की संख्या में रोजाना वाहन गुजरते हैं। साथ ही यह चौराहा प्रीत विहार कॉलोनी, आनंद विहार कॉलोनी, गांव श्याम नगर को भी शहर से जोड़ता है। ऐसे में भारी संख्या में वाहनों का यहां से आवागमन होता रहता है, जिसके चलते जाम की स्थिति और हादसे होने की स्थिति बनी रहती है और इसी के चलते लोगों को काफी परेशानियां भी होती है। एचपीडीए द्वारा लोगों की समस्या को देखते हुए अप्रैल 2022 बोर्ड बैठक में इस चौराहे के सुंदरीकरण कर गोल चक्कर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था, जिसको लेकर टेंडर भी जारी किया जा चुका है और निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। 23 लाख रुपए की लागत से होने वाले सौंदर्यकरण कार्य में चौराहे पर गोल चक्कर बनाकर ट्रैफिक लाइट लगवाई जाएगी। इससे यातायात संचालन में सुधार आएगा। गोल चक्कर बनने के बाद बीच में फव्वारा ग्लोब बनाया जाएगा। इसके साथ ही चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटों के साथ पेड़ पौधे लगाकर चौराहे को सुंदर बनाया जाएगा। एचपीडीए सचिव प्रदीप सिंह ने बताया कि चौराहे का काम करीब 2 माह में पूरा होने की उम्मीद है। इसके लिए कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है।